मिशन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताजगांव, कलंबा, गोंदिया और नासिक में करेंगे रैली। ताजगांव है एनसीपी के दिग्गज नेता आरआर पाटिल का विधानसभा क्षेत्र। मोदी ने शनिवार को किया था मिशन महाराष्ट्र का आगाज। दिन की आखिरी मुंबई रैली में कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर बोला हमला, महाराष्ट्र को पीछे ले जाने का आरोप। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर एक हुआ करता था, आज कहीं नजर नहीं आता है कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है। मोदी ने कौन बनेगा करोड़पति के बहाने कांग्रेस एनसीपी पर कसा तंज। कहा महाराष्ट्र में हो रही है कौन बनेगा अरबपति की होड़। अमिताभ बच्चन टीवी पर एक शो चलाते हैं कौन बनेगा करोड़पति, वो तो टीवी पर सवाल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हैं वो स्पर्धा कर रहे हैं कौन बनेगा अरबोपति। शिवसेना से अलगाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे ठाकरे के गढ़ में, लेकिन एक बार भी नहीं लिया शिवसेना का नाम। प्रधानमंत्री ने मुंबई को एक मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी, देश के बिजनेस हब के तौर पर विकसित करने पर जोर। अगर देश को आर्थिक तेज गति लानी है तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना नहीं आ सकती है, इसलिए मुझे मुंबई और महाराष्ट्र पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बीड से फूका, इमोशनल कार्ड खेलकर वोटिंग के वक्त गोपीनाथ मुंडे को याद करने की अपील की। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहां का बच्चा गोपीनाथ है। मोदी ने महाराष्ट्र गुजरात भाई भाई का भी नारा दिया। महाराष्ट्र को गुजरात का बड़ा भाई बताकर फेंका नया सियासी पासा। मैं आज भले ही दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन गुजरात के नाते हम महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं, महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। औरंगाबाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा अब महाराष्ट्र में भी आएंगे अच्छे दिन। शरद पवार ने मोदी सरकार पर लगाया दोहरे मापदंड का आरोप। पुणे रैली में दलित कार्ड खेलते हुए कहा संघ प्रमुख का लाइव प्रसारण और बाला साहब अंबेडकर की हुई अनदेखी। हरियाणा के करनाल में पीएम मोदी ने की चुनावी सभा। हुड्डा सरकार पर जमकर साधा निशाना, मोदी ने हरियाणा में सरकार होने पर ही अधिकारी मानेंगे आदेश। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन यहां का पुलिस वाला भी मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो हरियाणा सरकार का पुलिस वाला है। मोदी ने केंद्र की चार माह की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जनधन योजना का किया जिक्र। मोदी ने कहा हरियाणा में किसानों की जमीन पर होता है कब्जा, बेहद कम दिया जाता है जमीन का मुआवजा। हरियाणा की जनता से मोदी ने कांग्रेस मुक्त प्रदेश की अपील की। कहा जिन्हें परख चुके हैं उन्हें फिर ना आजमाएं। हरियाणा की करनाल रैली में मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा 60 दिनों का हिसाब मांगते हैं लेकिन 60 साल का हिसाब देते नहीं। वो 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हरियाणा में फूका चुनावी बिगुल। कहा नई सरकार सिर्फ कामयाबी गिनाने में है मशगूल। रोहतक रैली में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा यूपीए की योजनाओं के नाम बदलकर लूट रही है वाहवाही। इन्हें
की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर चला रहे हैं। हरियाणा के महम और सिरसा में सोनिया का मोदी पर पलटवार, कहा अब तक नहीं कम हुई महंगाई, ना ही सस्ता हुआ गरीबों का निवाला। सोनिया ने मोदी सरकार से किया सीधा सवाल, पूछा विदेश से कालाधन वापस लाने के वादे का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं, 100 दिनों के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाने के इनके वादे का क्या हुआ। सोनिया ने गिनाई उपलब्धि, का हुड्डा सरकार ने पिछले 10 सालों में हरियाणा को नई ऊंचाइयां दी। सोनिया ने भाषण में पानीपत से सोनीपत तक मेट्रो प्रोजेक्ट, लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय, कैंसर अस्पताल, डिफेंस यूनिवर्सिटी का किया जिक्र। पीएम मोदी की सुरक्षा पर उठे सवाल, अमेरिका दौरे के लिए एयर इंडिया के स्टैंड बाई विमान में मिली थी संदिग्ध वस्तु, एयर इंडिया ने बताया प्लास्टिक रैपर। अमेरिकी दौरे के दौरान मुख्य विमान के खराब होने की सूरत में पीएम करते इसी स्टैंड बाई विमान एयर इंडिया 965 का इस्तेमाल। मेडिकल आधार पर मिली बेल का फायदा उठाकर ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं चुनाव प्रचार, हिसार में किया रोड शो। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पोते दुष्यंत चौटाला के लिए मांगा वोट, जिताने की अपील की। ओम प्रकाश चौटाला ने फिर दोहराया, इन लोगों को मिला बहुमत तो बनेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी के खिलाफ बोलने से काटी करनी। 25 सितंबर को भी ओम प्रकाश चौटाला ने बिना कोर्ट की अनुमति के की रैली, कोर्ट ने जारी किया था नोटिस। तिहाड़ से जमानत पर छूटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 जनवरी 2013 को चौटाला और बेटे अजय चौटाला को सुनाई थी 10 साल की सजा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का टीडी न्यूज पर लाइव भाषण दिखाने पर बोले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ने कहा लोगों तक पहुंचाना चाहिए संघ प्रमुख का विचार। जावड़ेकर ने कहा जब निजी न्यूज चैनल संघ प्रमुख का भाषण लाइव दिखा सकते हैं तो आखिर डीडी न्यूज क्यों नहीं। है यूपीए ने पिछले 10 साल में क्यों नहीं दिखाया, जबकि ये क्रांति हुई और सभी चैनल दिखा रहे, तो दूरदर्शन को हम कैसे मना करते हो। सवाल सीधा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पीएस बस्सी के मुताबिक थाने और पुलिस कॉलोनियों में अब दिखेगी ज्यादा सफाई, कहा पीएम का स्वच्छता अभियान एनर्जी ड्रिंक की तरह। पुलिस कमिश्नर ने कहा सफाई के साथ ही दिल्ली पुलिस को दी गई है ज्यादा संवेदनशील होने की नसीहत। पटना के गांधी मैदान में हुई भगदड़ की जांच के लिए बनाई गई टीम, 34 लोगों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर पहुंचने की कोशिश। भगदड़ की जांच के लिए बनी टीम पटना के गांधी मैदान की व्यवस्था से जुड़े लोगों से करेगी पूछताछ, चपरासी से लेकर बड़े अफसरों तक से होंगे सवाल। जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम में ने तैयार किए हैं 10 सवाल, गांधी मैदान की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों से लिया जाएगा जवाब। जांच टीम हादसे के वक्त से लेकर अफवाह तक के बारे में पूछेगी सवाल, जवाब के जरिए ये जानने की होगी कोशिश कि किसकी थी लापरवाही। गांधी मैदान में हादसे के वक्त मौजूद पुलिस वालों से भी होंगे सवाल, इन्वेस्टिगेशन टीम का ये बताना होगा कि कहां लगी थी ड्यूटी और हादसे के वक्त किस जगह पर थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, हादसे को बताया राज्य सरकार की लापरवाही का खामियाजा। चिराग पासवान ने कहा यह हादसा नहीं हत्या है, बोले राजनीति नहीं कर रहा, सच बयां कर रहा हूं, बिहार में कानून व्यवस्था है बेहद खस्ताहाल।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का लोगों ने किया विरोध, देर से अस्पताल पहुंचने के आरोप पर बोले मंत्री जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैं अपना। विपक्ष आरोप लगा कि स्वास्थ्य मंत्री देर से आए। अभी विपक्ष का जो काम था कर रहा है, जो अपने राज्य का काम है मैं कर रहा हूं। उत्तर भारत में जल्द लौट सकती है ठंड, अक्टूबर के मध्य से तापमान में गिरावट की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बढ़ा है तापमान, दो दिनों में निकल जाएगा आगे। और इसके साथ साथ वर्तमान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसका हल्का फुल्का क्लाउडी डे में करें। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो सामान्य तौर पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हायर। कानपुर में अलग ही रंग में दिखी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में डूबकर जमकर थिर गई। मंच पर वो राधा के किरदार में थी, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी इस मौके पर मौजूद। चेन्नई सुपर किंग्स बनी T20 चैंपियंस लीग की चैंपियन, सुरेश रैना के शानदार शतक से एक तरफा फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स पर की जीत दर्ज। रैना ने खेली 62 गेंदों में 109 रनों की धमाकेदार पारी, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के लिए 181 रन सिर्फ 2 विकेट खोकर किया हासिल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 19 साल के स्पिनर कुलदीप यादव को मिली जगह, अमित मिश्रा की वापसी, अश्विन को आराम। कुलदीप के सिलेक्शन से उसके घर वालों पर दिवाली से पहले ही बनी दिवाली, कानपुर में बटी मिठाइयां। 17वें एशियाई खेल रंगारंग समारोह के साथ खत्म, अगला एशिया 4 साल बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। 16 दिनों तक चले खेल समारोह में एक बार फिर छाया चीन, 151 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर, भारत का 8वां स्थान, मिले 11 गोल्ड समेत कुल 57 मेडल। वतन वापसी पर हॉकी टीम का जबरदस्त स्वागत, एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़। तो मैं पूरा श्योर था कि जिस लिहाज से हमारी पिछले 7-8 महीने से ट्रेनिंग हुई है, फिर जो लड़कों ने प्रीवियस टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया, तो मैं पूरा श्योर था कि ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे। रोमांचक मुकाबले में भारत ने दी पाकिस्तान को शिकस्त, 16 साल बाद एशियाड में भारत को मिला था हॉकी का गोल्ड। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में सुपर बाइक का जलवा, बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फाइनल राउंड आज।